दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को खरीदने वाली है, यानी आपको बताएंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में खरीदेगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हैं और चाहते कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 का खिताब जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आरसीबी से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 2019 का आईपीएल आरसीबी टीम के लिए बहुत ही खराब गया था, जिसमें आरसीबी की टीम ने शुरुआती 6 मुकाबले हारे और उसके साथ ही वो पॉइंट टेबल पर लास्ट नंबर पर रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के अलावा कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं दिखा जो कि आरसीबी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर सके, जबकि बॉलिंग में हमें युवेंद्र चहल और नवदीप सैनी के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं दिखा जो कि शानदार बॉलिंग कर सके। इसी बात को देखते हुए आरसीबी का मैनेजमेंट चाहता है कि 2020 के लिए वो शानदार टीम बना ले। तो चलिए बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में हर हाल में खरीदना चाहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी की टीम आईपीएल के ऑक्शन में 12 इंडियन जबकि 6 ओवरसीज प्लेयर को ही खरीद सकता है। दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी का नाम निकल के आता है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के शानदार फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मिचेल स्टार्क ने पिछले 3-4 सालों से आईपीएल के मुकाबले नहीं खेले हैं, लेकिन वो 2020 के आईपीएल में कंफर्म खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क ने इस साल बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी टीम के पास इस समय कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो कि स्वाति ओवर में शानदार बॉलिंग कर सके। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले। दोस्तों, दूसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता है वो इंग्लैंड टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में चल रहे एन मॉर्गन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मॉर्गन ने इस साल बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, जिसके बाद से आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी टीम के पास इस समय कोई भी ऐसा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है जो कि एबी डिविलियर्स के साथ दे सके। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि मॉर्गन को अपनी टीम में शामिल करवा ले और अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता है वो है न्यूजीलैंड टीम के शानदार बैटिंग ऑलराउंडर जिमी निसम का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि आरसीबी की टीम ने अभी अभी मार्केस टोनेस और कोलिंडी ग्रैंडोम को अपनी टीम से बाहर कर दिया है, जिसके बाद से आरसीबी टीम के पास कोई भी ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है जो कि शानदार बॉलिंग और बैटिंग कर सके। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहते कि जिमी निसम को अपनी टीम में शामिल करवा ले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिमी निसम ने इस साल बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले, जिसके बाद से जिमी निसम आरसीबी टीम के लिए शानदार बैटिंग और बॉलिंग करे। दोस्तों, चौथे नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता वो है ओपनिंग बल्लेबाज क्रिस लिन का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लिन को अभी अभी कोलकाता की टीम ने अपनी टीम से बाहर कर दिया है, लेकिन टीम से बाहर होने के बाद उनका बल्ला बहुत ही शानदार दिखा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिस लिन अभी T20 लीग खेल रहे हैं, जिसमें ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आरसीबी टीम के पास इस समय कोई भी ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है जो कि स्वाति ओवर में शानदार बैटिंग कर सके। इसी बात को देखते हुए आरसीबी की टीम चाहती है कि क्रिस लिन को अपनी टीम में शामिल करवा ले। दोस्तों, पांचवें नंबर पर खिलाड़ी का नाम निकल के आता हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम के शानदार बैटिंग ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैक्सवेल ने 2019 का आईपीएल नहीं खेला था, लेकिन वो 2020 के आईपीएल में कंफर्म खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मैक्सवेल एक शानदार बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसके बाद से आरसीबी की टीम चाहती है कि उनको अपनी टीम में शामिल करवा ले। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी की टीम जिमी निसम या फिर मैक्सवेल में से एक खिलाड़ी को तो हर हाल में खरीदना चाहेगी। तो दोस्तों, मेरे मुताबिक ये 5 खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको आरसीबी की टीम आईपीएल के ऑक्शन में हर हाल में खरीदना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।